हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन, समस्त स्वागत। वेलकम टू दिस फैंटास्टिक सेशन, समस्त स्वागत है जीरो इंपोर्टेंट सेशन रे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग गोल्स फ्रेंड्स। समस्त को हम यूट्यूब चैनल रे स्वागत। यदि चैनल रो नुआ तो सब्सक्राइब करी बेल आइकन हिट करने को भूलिबनी टू गेट ऑल माय लाइव एंड अपलोडेड वीडियोज। तेणु निश्चय सब्सक्राइब करनी और बेल आइकन हिट करी सब क्लासेस को रेगुलरली जॉइन करो। वेलकम वेलकम एवरीवन। ठीक है, डेरी गल समस्त अच्छा, समस्त को स्वागत। आज जाओ फटाफट स्टार्ट करवा आज इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट को। तो पेपर वन बा पार्ट वन मु कहि फुल प्रैक्टिस करि परबा में यदि ये मोर इम्पोर्टेंट आमर इनिशियल अपॉइंटी जो पीएचडी कंट्राक्चुअल टीचर बा इनिशियल अपॉइंटी टीचर मानों को पाई सहित बीएड एंट्रांस एवं ओएसएसटीईटी सेकंड जो मैंने भी अप्लाई करते समस्त बहुत ही इंपोर्टेंट रही आज सेशन। समस्त स्वागत विथ फुल एनर्जी। वेलकम एवरीवन टू दिस फैंटास्टिक सेशन। ओके, लेट अस बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। पीएम नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द गंगा एक्सप्रेस वे इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट? यस फ्रेंड्स, करेंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन आम जानते जमीती चेंज हो जाए। जो देखा पैटर्न इनिशियल अपॉइंटी रे आमर पैटर्न चेंज हो जाए। 50 मार्क रहुची फर्स्ट पार्ट रे, जो कि जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स रहुची 15 मार्क्स रो। रीजनिंग रहुची 10 मार्क्स रो। कंप्यूटर लिटरेसी रहुची 10 मार्क रो। एवं सीडीपी बा पेडागोजी रहुची 15 मार्क। सेमती टोटल 50 मार्क फर्स्ट पार्ट रे हमको स्कोर करिवार अछि। सेठी राइट आंसर होउची शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। ए करेक्ट, जो माने ए सहित अछ, वेरी गुड फ्रेंड, बहुत बढ़िया। ओके, क्वेश्चन नंबर टू। व्हाट इज द रैंक ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी इन द वर्ल्ड्स टॉप 20 मोस्ट एडमायर्ड मैन by data analytics company YouGov? Rank of PM Modi in the world's top 20 most admired man by data analytics company YouGov. Question number 2. What is the right answer? Yes, YouGov dwara jo वर्ल्ड र टॉप 20 लिस्ट दिया जाए थिला सेथरे पीएम मोदी 8th पोजीशन रे थिले। ए इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन एंड ए बेसिक किसी परिवर्तन हबनी। ए क्वेश्चन से आसीब माने रखो, ए टाइप रो क्वेश्चन आसीब करंट अफेयर्स। आज जो करंट अफेयर्स सीएचटी बा इनिशियल अपॉइंटी हो कि ओएसएसटीईटी हो बीएड हो एति पाई मध्ये ये करंट अफेयर्स हिसाब रे ही काम करिवो। व्हाट इज द स्टेट सॉन्ग ऑफ ओडिसा? इजी क्वेश्चन, एमती क्वेश्चन रेयर भी आसे बट आसे मन रख, गोटे गोटे क्वेश्चन ये टाइप रही आसे। ओके, एंड राइट आंसर इज बंदे उत्कल जननी। यस फ्रेंड्स, बंदे उत्कल जननी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी गुड। व्हेन वाज द स्टेट नेम ऑफिशियली चेंज फ्रॉम ओडिशा टू ओडिशा? ओडिशा रू ओडिशा को स्टेट नेम के चेंज ला? यस, इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द राइट आंसर? भाभी चिंत कर क्वेश्चन नंबर 4। यस, राइट आंसर हूँ बी 2011 चेंज हला ओडिशा टू ओडिशा एंड ओडिया टू ओडिया, राइट। चलो, बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन, वेरी गुड फ्रेंड्स। जदि हेल्पफुल टाइप रेसन आग को तो निश्चय लाइक कर फ्रेंड्स, लाइक कर। ओके, एंड ता सहित फ्रेंड्स मानक भी जन दिव सेयर करी आग को टाइप मॉक टेस्ट दरकार देन आई एम ऑलवेज विथ यू। एंड ता सहित फ्रेंड्स चैनल जो नुआ अच्छा तो सब्सक्राइब कर दिव और साइड बेल आइकन को दबे कि ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिव। क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच एनिमल स्टैच्यू इज फाउंड ऑन द एम्ब्लेम ऑफ ओडिशा? यस, वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर लाइक्स, थैंक यू एवरी वन फॉर योर लाइक्स। व्हिच एनिमल स्टैच्यू इज फाउंड ऑन द एम्ब्लेम ऑफ ओडिशा?
इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। ओडिशा रा एम्ब्लेम भल तरीके नजर करी बहुत कम पिला नजर करती फुल कर दिखती ये क्वेश्चन निश्चय से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट राइट आंसर बी नुह लायन नुह डियर नुह टाइगर भी नुह हॉर्स इज द राइट आंसर फ्रेंड। एम्ब्लेम ऑफ ओडिशा जदि आम भल से नजर करवा ओडिशा शासन को ताहले मझे जो एनिमल को आम देखुचे ये लायन नुहे फ्रेंड्स हॉर्स इज द राइट आंसर। वेरी गुड थैंक यू एवरीवन। Let's move on. Question number 6. How many states do Odisha share its border with? Odisha ketoti states sahita border share kare? Yes. What is the right answer? Question number 6 on your screen. What is the correct response? What is the correct answer? केतोटी हम ये राइट आंसर फ्रेंड ये देख ये कन्फ्यूजन दूर कर फाइव ना फोर, फाइव ना फोर ये कौन हम राइट आंसर देख फ्रेंड ये मानचित्र एते बेल पर्यंत बुझेला निजे कौन बट यस फोर हवा कथा कारण तेलंगाना तेलंगाना टच करिनी करिछि टिके मैपटा टिके भलसे देखिकी एई क्वेश्चन रो आंसर टा मते कमेंट बॉक्स रे टिके कमेंट करिवो बहुत गुडे मैप अवेलेबल हे गेलानी कोठी अछि कोठी करूची कोठी करूनी एडी राइट आंसर बी बोली बी सहित मु जेबी तापर तम मानको ऊपर डिपेंड करूची तम माने कमेंट करके मते टिके जणैबो। ओके बहुत बढ़िया चलो आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ वेस्ट बंगाल झारखंड वेरी गुड यस चलो व्हिच इंडियन अमेरिकन हैज बीन प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ हेड ऑफ द व्हाइट हाउस ओके चार को लॉक करियो तो ओके ठीक अच्छे छत्तीसगढ़ वेस्ट बंगाल झारखंड आओ आंध्र प्रदेश को लॉक कर दिए बात ठीक अच्छे ओके ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 7 आंसर कर दिया चलो फटाफट। इंडियन अमेरिकन हैज बीन प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ हेड ऑफ व्हाइट हाउस गौतम राघवन इज द राइट आंसर ए करेक्ट एटी जो मैंने 7 रो आंसर ए दे दीजिए प्लस वन ओके प्लस वन नो डाउट ओके लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू गो 100% पेपरलेस 100% paperless city in the world, first city in the world to become 100% paperless. Yes. Good Josh, good energy, friends. Thank you for that. Thank you for that. Till the end, 50 question kari bata. Dekhu chu mu kete ta kari paruche. Okay, let's move on. Dubai is the right answer, friends. Dubai sahi ta chalo. Correct answer hoche Dubai C is the right answer. Let's move on. Okay. Question number 9. Who is the speaker of the Odisha Legislative Assembly? Speaker of Odisha Legislative Assembly. Question number 9. Easy one. बहुत दिन धरी परिवर्तन आमे देखी ने ये पोजीशन रे ये पोस्ट रे. Question number 9. The right answer hochi Surya Narayan Patra no doubt this is the right answer Surya Narayan Patra very good. Question number 10 who was the first governor of Odisha before independence ye bhi bahut easy question popular question kintu but it is extremely sorry to say that it is Sir John ऑस्टिन हबाक आमको करदे अबाक तो एमडीआ क्वेश्चन आसे तो बोनस मार्क मिल जाव बट ये जो मैंने बी कौच एंड डी कौच बोथ आर करेक्ट ये हबाक इज द राइट आंसर हाँ चलो बी डी करेक्ट नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 11 हाउ मेनी डिविजन्स आर इन ओडिशा
हाउ मेनी डिविजन आर इन ओडिशा, ओडिशा रे केतोटी डिविजन अच्छी। यस ओडिशा रे केतोटी डिविजन अच्छी। यस 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 जल्दी जल्दी फटाफट नंदिनी सत्यपति फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर। यस तीनटा डिविजन अच्छी फ्रेंड्स, तीनटा डिविजन ओके सेंट्रल सदर्न एंड नॉर्दर्न। नॉर्दर्न रे संबलपुर, सेंट्रल रे कटक, सदर्न रे ये बरमपुर नो डाउट ओके हेडक्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच नेशन हैज अनाउंस्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नगडग पेल जी खुरलो। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द्वारा कोई देश आम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करथिले। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द राइट आंसर। यस वेरी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड सुभाश्री, थैंक यू। क्लियर विजिबल था, क्लियर विजिबल एंड ऑडिबल ना नहीं, मतलब किए समस्त सीएलआर लिखी की जाने दबो फ्रेंड। एर राइट आंसर भूटान, सीएलआर लिखी की मतलब किए जाने दियो, क्लियर विजिबल ना नहीं, ऑडिबल ना नहीं। एंड ता सहित यदि चैनल रे अछ नुवा त कोन करबो फ्रेंड, सब्सक्राइब करबो, बेल आइकन हिट करबो। यदि ए टाइप रो मॉक टेस्ट आगु को दरकार, फ्री मॉक टेस्ट ऑलवेज देयर इन आवर YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग गोल्स। जे कोनसी परिस्थिति आसु, बीएड एंट्रेंस आसु, टीईटी आसु, किमा टीचरशिप पई प्रिपेयर करो, ओएबीएस पई करो, मॉक टेस्ट ऑलवेज देयर। तो निश्चय समस्ते सब्सक्राइब कर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को जीवा 13 को जीवा। वेरी गुड थैंक यू। व्हिच डिस्ट्रिक्ट बोर्डर्स द बे ऑफ बंगाल, व्हाट ए क्वेश्चन, व्हाट ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एमटी क्वेश्चन आसला तो बहुत बढ़िया करि परबो समस्ते आई थिंक। ओके मॉक टेस्ट दरकार निश्चय मिलिबो। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द राइट आंसर। थैंक यू एवरीवन, राइट आंसर केंद्रापड़ा इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। केंद्रापड़ा, अरे मयूरभंज केते बेले टच कला बे ऑफ बंगाल को, बालेश्वर तो नहीं जे मारी दबो, कंधमाल तो चांस नहीं, गजपति भी चांस नहीं, गंजाम ही थिले से गोटे अलग कथा। हाँ केंद्रापड़ा इज द राइट आंसर, ये भूल करिबो नहीं, टाइप ऑफ क्वेश्चन स्ट्रांग रहिबो फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 14, पीएम मोदी पार्टिसिपेटेड इन समिट फॉर डेमोक्रेसी, द समिट फॉर डेमोक्रेसी हैज बीन होस्टेड बाय व्हिच कंट्री, को कंट्री समिट फॉर डेमोक्रेसी होस्ट करथिले, पीएम मोदी रिसेंटली जाइथिले सेई कंट्री को मध्य। यस व्हाट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 इजी, जो बाइडेन, यस जो बाइडेन ऑर्गेनाइज करथिले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डी इज द राइट आंसर। यस 14 डी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, नॉन मेटल जहां की लिक्विड फॉर्म रे रहे रूम टेम्परेचर रे। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इजी क्वेश्चन, साइंस क्वेश्चन गोटे अच्छी, 15 जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स रा क्वेश्चन हमें सारिबा को जाउचे, तापर स्टार्ट होबो रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 15 राइट आंसर ब्रोमीन, यदि मेटल है तांदा ताहले है तांदा Hg मर्क्यूरी है ना, नहीं Hg मर्क्यूरी है तांदा, यदि मेटल तांदा ब्रोमीन होबो जेहेतु नॉन मेटल अछि। ओके केते मार्क रहिला रे 15 रु, कारो केते पाखा पाखी रही छि, 10 प्लस समस्तक रही छि कि 15 रु 10 प्लस पाखा पाखी रही छि, रही जीवो, यदि 10 प्लस रहबो तने गुड स्कोर हमें कहि परिबा हला रे। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट नेक्स्ट आगो को बढ़िबा, एंड आगो को बढ़िबा पूर्वर समस्त प्लीज वीडियो टिको कण कर दबा, लाइक कर दबा एंड फ्रेंड्स मानक सहित शेयर कर दबा, सो दैट से माने भी मॉक टेस्ट रे पार्टिसिपेट करबे, हम एगो मजेदार सेशन करि परिबा। क्वेश्चन नंबर 16, अरे बाप रे बाप रे, एडे बड़ो क्वेश्चन देखिलो, रेडी अछ रीजनिंग पई, नहले किछि होमवर्क भी मैं दे देबी, चिंता नहीं, बट करिबा रीजनिंग, जेहेतु मु मॉक टेस्ट करछि तो पैटर्न को तो फॉलो करबी ना करबी, तमे माने को करी तो पैटर्न को फॉलो करी तो
ओके जदि पैटर्न को फॉलो करबी ताहाले रीजनिंग भी तो आसीबो तो स्टेटमेंट्स को देखो आ कोटा राइट हबो मते कहिबो दीपक कुमार सोहम तृप्तिमयी बढ़िया बढ़िया तो यह बुझ कौन हो राइट आंसर मत कह नहीं होमवर्क तो देवी होमवर्क तो देवी बट सब नुह इटी राइट आंसर देखो फ्रेंड्स पी इज डलर देन ओनली आर टी इज डलर देन एस एंड शॉर्टर देन क्यू क्यू इज डलर देन एस आर इज डलर देन पी ये सब जिनस जाकि जान ले आम गोटे कनक्लूज कर ए हम राइट आंसर इफ द डाटा इन स्टेटमेंट वन एलोन आर सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल द डाटा इन स्टेटमेंट टू एलोन आर नॉट सफिशियंट देखो डाटा वन रे जतिके अछि सब सफिशियंट हबो किंतु डाटा टू इज नॉट सफिशियंट तेनु ए होउछि राइट आंसर डाटा वन को जदि देखिबा पी इज डलर देन ओनली आर पी इज डलर देन आर टी इज डलर देन एस एंड शॉर्टर देन क्यू टी इज डलर देन एस एंड शॉर्टर देन क्यू तो एमिति अरेंज करि परिबा ना नै हमें P is taller than only R कोई चीज केवल R को बड़ा किए P taller and कोई दला जे T is taller than S and shorter than Q Q to छोटो गेड़ा and S to बड़ा तेरु P R Q T S हमें पारी जाऊँ चीज statement one रो but statement two रो ऐमिति हमें draw करी पारी बानी ऐमिति draw करी पारी बानी बुझो question का बुझो Both one and two together are not sufficient. कई बार तब भूल ही जीवो देखा. Tallest among all पचार्ची. Tallest among all तो P होगा. 100% P होगा. Right? तेरो बुझी पारुचे बोली बाबूच. ठीक है ठीक. चलो let's move on. Question number 17 करो. Easy question है इटा. इटा difficulty नहीं है ते. Easy. रीजनिंग परे अलग क्वेश्चन भी आसीबो जमती कि हमें कंप्यूटर क्वेश्चन करिबा एवं टीचिंग एप्टीट्यूड बा सीडीपी करिबा पेडागोजी ओनली ए फ्यू पर्सन आर पीपल ऑल मैन आर पर्सन ओनली ओ मैन आर मैन भले से बुझीबा दरकार कंक्लूजन माने बुझी पारुछ त जो मन करो क्लियर होनी ठीक है क्वालिटी बढ़े दिया क्लियर आसीबो क्वालिटी बढ़े दिले क्लियर आसीबो राइट 360 बढ़े दिया क्लियर आसीबो मिनिमम 360 रखो क्लियर आसीबो तो 70 रो आंसर होची इफ नाइदर कंक्लूजन वर नॉट टू फॉलोज डेटा देखो भीतर कोटा भी कंक्लूज फॉलो करिवानी ऑल पीपल कैन नेवर बी पर्सन अब की ओनली ए फ्यू पर्सन आर पीपल Few person or people. So all people can never be person. All man or person. देखो इधर जो दिखाइएगा only a few person or people. Person only a few person or कौन? People. Okay. All man or person. सब वो man वाला person तो man या भीतर रहेगा. Only woman or man. देखो तो person भीतर man रहेगा. Only woman or man. ये बोलो woman हो चंदे man. बुझेला तो या भीतर आसीबा ओमेन तेणु ये कही ऑल पीपल कैन नेवर बी पर्सन पीपल सब पर्सन हम कि यस फॉलो करिबो ऑल ओमेन आर पीपल ऑल ओमेन आर पीपल हम कि ये रहा तेणु दुटा जाक भितर कौटा भी हमने तेणु डी हम राइट आंसर हाउ तो यही क्वेश्चन जोटा अच्छी यहाँ इजी क्वेश्चन यहाँ जल्दी टी कर तापर मु होमवर्क दे कि आगो को बढ़ी गोटे जोड़े होमवर्क देवी आगो को बढ़ी बट तार आंसर तुम मानक कमेंट बॉक्स रे करबा को पड़िबो विथ फुल डिटरमिनेशन राइट भूल बाल करिवनि क्वेश्चन नंबर 18 भलो से पूछो बढ़िया क्वेश्चन था यस यस सीएसटी पाई इनिशियल अपॉइंटी पाई ओएसएसटीटी पाई एवं बीएड पाई मध्य हेल्पफुल
बहुत इजी क्वेश्चन, कौन होगा आंसर? जो मैंने बी दे समस्त को बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। देखो कही वन आर हेला ईच ऑफ द इवेंट डिजिट, देखो वन इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द इवेंट डिजिट, वन इज एडेड टू ईच ऑफ द ऑड डिजिट। तो तीन टा कौन ऑड, तो एथरे एक ऐड हिजबो तो केते हिजबो चार, इवन दुई तो एथरु एक पड़ेबो तो वन, पांच रे एक ऐड हि कि छ, छ रु एक जाई कि पांच, चार रु एक जाई कि तीन, सात रे कौन हबो एक ऐड हिजबो तो आठ, एक रे एक ऐड हिजबो दुई, आठ रु एक पड़ेबो सात। तो ये होचि नुवा कॉम्बिनेशन, नुवा कॉम्बिनेशन टा पाइबार अछि। पाइगला परे कहिछि डिजिट व्हिच इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड थर्ड फ्रॉम द राइट, सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट रू सेकेंड किए फ्रेंड्स मत को एक, एंड थर्ड फ्रॉम द राइट किए आठ। आफ्टर अप्लाइंग द एबव मेंशन ऑपरेशन तो कौन करवा डिफरेंस कर दबा एट माइनस वन, माने थर्ड फ्रॉम द राइट रू सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट को काटी देले हमको केते मिलिबो, एटा से पचारि छी बुझा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यार फायदा उठाओ, ये सेशन रो फायदा उठाओ, ये टाइप रो क्वेश्चन आसीबो मु गारंटी दउची आसीबो। 19, 20, 21 ए तीनटा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, तो एठी मु कहि भी गोटी क्वेश्चन रो आंसर करो प्रथम, आउ दुटा तुमको होमवर्क देबि, गोटे क्वेश्चन रो मु जानि जेबि तमे बाकी गुडा करि पारिबो ना नाही। बहुत इजी सेम पैटर्न, चलो ठीक अच्छे, रिजनिंग स्किप कर देवी या पर सब स्किप कर देवी, केवल ये गोटे क्वेश्चन तुम मानक कर। चलो ठीक अच्छे, 19 नंबर करनी, 19 टा छाड़ी दियो, 21 टा करो समस्ते, 21 रो आंसर दियो, 21 रो आंसर दियो मते, बहुत इजी क्वेश्चन फटाफट दियो, 21 नंबर 21 एटा इजी, एटा पेन पेपर दरकार नहीं, सेथि पई कहली 21 नंबर किछि दरकार नहीं। ट्वेंटी वन रो आंसर दियो चलो 21 देखो कही छी कौन, पांच आउ अल्फा भितर, पांच एठी अछि अल्फा एठी अछि, ता भितर मिडिल कोटा पचार छी बात सेथि, तो मिडिल बाहर करियार अच्छे अलग किसी नहीं रे, देखो तीन ही हम मिडिल एति आंसर का तीन करदे गोटे मार्क मिल जाए, किंतु एति तुमको टाइम टेकिंग कर रिजनिंग, से इजी इजी क्वेश्चन बेले बेले आने, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आने आउ असुविधा कराए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आठ नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो आठ नंबर, तेणु 3 हूँ राइट आंसर। हाँ बुझेगा ना, नहीं इजी क्वेश्चन ये सबूतक क्वेश्चन आंसर कर राइट, वीडियो अच्छी अपलोड होकर रहिबो, क्वारी दिबनी मु देखि भी केते जण आंसर करछ, आ सेतरु ही जाना पड़ो केते इंटरेस्ट अच्छी न अच्छी। ओके तो 22, 23 मध्ये मु तमनकु पई छाड़ी देली, 24, 25 मध्ये तमनकु पई छाड़ी देली, एतिकर अच्छा 25 नंबर करो। ओके 25 नंबर करो, पेन पेपर नाही कहउछ, अच्छा ठीक अछि, नाही जदि तमे आंसर करिके मते देखियबो ठकिले चलिबो नि, बट 25 करिके देखाओ। मोहन वाज फेसिंग ईस्ट एंड ये डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन था, डिस्टेंस डायरेक्शन। मोहन इज फेसिंग ईस्ट, माने ईस्ट को फेस करी छी, फर्स्ट कथा ही वॉक 4 किलोमीटर फॉरवर्ड, माने 4 किलोमीटर पड़ेला ईस्ट आड़े, ईस्ट डायरेक्शन रे 4 किलोमीटर पड़ेला, एंड देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट वॉक 3 किलोमीटर, राइट माने साउथ को गले केते 3 किलोमीटर, अगेन ही टर्न टू हिज राइट, तो इे आसला तार राइट टा कुआ हम फ्रेंड, आम लेफ्ट जोटा तार राइट से वॉक 4 किलोमीटर कहला, मैंने से ही लाइन को पड़े आसा जो जाइला, आफ्टर दिस ही टर्न बैक, तापर से बैक व्हिच डायरेक्शन वाज ही फेसिंग, तो इे आसला से बैक को फेस करेणु ये जिते जाऊरेक्शन रे कौ डिरेक्शन को जाऊँगी वेस्ट को, देन से कहला आफ्टर दिस ही टर्न बैक, एति आसला से बैक को टर्न करगला, माने को डिरेक्शन को फेस कला ईस्ट, आंसर कौन हो, ए दैट इज ईस्ट,
बुझी हेगला ना नाई कंप्लीट इजी क्वेश्चन सब गुड़ा है तो ये केवल तुम इंटरेस्ट देने क्लीयर हो कि असुविधा ना। ओके चलो आम जा कंप्यूटर क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 26 Why header and footers used in Microsoft Word document? What is the right answer? चलो आराम से करो इजी अच्छी क्वेश्चन नंबर 26 एंड योर थिंग एंड राइट आंसर होची डी टू अलाउ पेज हेडर्स एंड फुटर्स टू अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज प्रिंटेड डी इज द राइट आंसर। ओके डी सहित जो मैंने प्लस वन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस बी इन एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस बी र फंक्शन कौन एमएस वर्ड रे कंट्रोल बी कार शॉर्ट फॉर्म कंट्रोल बी बहुत ही जी अच्छे आराम से करो 27 कौन हम अरे कंट्रोल बी टा कौन कर दिए बोल्ड कर दिए इट मेक्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड कर दबो हाँ जोटा एमती थी कौन कर दबो एमती कर दबो ना बोल्ड कर दबो बुझेगा तो कंट्रोल प्लस बी हूँ बोल्ड कर। ओके व्हाट इज द एक्सटेंशन फाइल क्रिएटेड इन एम एस वर्ड 97 2006 एक्सटेंशन फाइल जोटा सेटा कौन एम एस वर्ड रे एक्सटेंशन फाइल टा कौन एम एस वर्ड रे जहां सेव कले आम केमती सेव हो 28 वर्ड रे सेव कले कौन एक्सटेंशन फाइल टा जहां ना दबा से मन कर मुली चिन्मय चिन्मय ना देली मु तो डट कौन है जो कौन सी एम एस वर्ड रे सेव कर डीओसी है ना नहीं डीओसी डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट रट फॉर्म। ओके ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर इज डैश ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर इज प्रश्न नंबर 29 वर्ड प्रोसेसर सॉरी वर्ड प्रोसेसर पर ग्राफिक्स टाक आम कौन कहते ग्राफिक्स आसा मैंने तुम मैंने देखु देखु जानज कौन हम क्वेश्चन नंबर 29 र आंसर क्लिप आर्ट हम फ्रेंड्स बी हम राइट आंसर क्लिप आर्ट ओके डैश सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स कंटेनिंग इंस्ट्रक्शन दैट कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज अमंग कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेस कोटा कहा को हमें सेट ऑफ प्रोग्राम्स कहुचे जहां की कोऑर्डिनेट करुचे कंप्यूटर हार्डवेयर को कौन हम क्वेश्चन नंबर 30 र राइट आंसर को सिस्टम बहुत इजी देख केवल माने डैश को फुलफिल कर देले भी हे जीव डैश पूरण करले राइट आंसर हबो फ्रेंड्स एतरे किछि भाबी बार नाही 30 नंबर यस ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स कंटेनिंग इंस्ट्रक्शन दैट कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज अमंग कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेस राइट इजी होचे वेरी गुड फ्रेंड्स जदि चैनल रे नुवा छ कोन करबो सब्सक्राइब करबो आ बेल आइकन हिट करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करबो एटा करबा को भूलिबनी सब लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस तुमको पाखे सब अप टू डेट इनफॉरमेशन तुमको पाखे पहुंच पार एजुकेशन रिलेटेड एक्सप्लोर करने गोल हेल्पफुल हम 31 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू यूज इफ यू वांट ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन टू हैव द सेम लुक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट रे कौन आम कले एक प्रकार देखा सबूतक स्लाइड यस इजी कौन यूज कले एक टाइप रखा इजी क्वेश्चन यस सीएचटी रे बहुत यही टाइप रही क्वेश्चन आसीब किसी टेंशन नियोनि सरोजनी किसी पेड बैच किसी ना तुम मैंने चाहू अनअकाडेमी जॉइन कर अनअकाडेमी जॉइन करने अनअकाडेमी जॉइन करने मत तुम मैंने व्हाट्सएप कर डिटेल कहीदेवी 8917
21490 नंबर रे व्हाट्सएप करी नबो ओके तो एठी होची कण हबो ए प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट तो टेम्पलेट गोटे ऐड करबा जो टेम्पलेट ता सब जगह रे यूज हबो एंड एका टाइप रो लुक दबो हमरो माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन को ओके क्वेश्चन नंबर 32 कीबोर्ड यूज्ड विद पर्सनल कंप्यूटर हैव डैश कीज पर्सनल कंप्यूटर रे जो कीबोर्ड थाए सेठी केतेटा की थाए कौन हम यार राइट आंसर बहुत इजी अच्छे प्रिपेरेशन स्टार्ट कर दियो इनिशियल अपॉइंटी टीचर आई ए टी इनिशियल अपॉइंटी टीचर पाई प्रिपेरेशन स्टार्ट कर दियो आउ डेरी करनी हाँ और जो मैंने ओएसएस टी क्लियर नहीं तो इजी ही गला ओएसएस टी इजीली क्लियर हो जाए जो मैंने बीएड करी ना बीएड रे लागी छ बीएड पाई पूरा भल से लग ए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एवं टीचरशिप तुम एमती भावनी जे सर आम बीएड करनु टीचरशिप वाला वैकेंसी सब बाहरी गला कौन के हम सब वर्ष किसी बाहर एवं बहुत वैकेंट अच्छे पोस्ट है ना तो टेंशन नियनि डी राइट आंसर 101 to 105 की रोच राइट द आउटपुट रिसीव्ड ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन और इन द ऑडियो और वीडियो फॉर्म इज कॉल्ड आउटपुट रिसीव्ड ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन जो डिस्प्ले स्क्रीन हमारा जो स्क्रीन वर्तमान आम लैपटॉप आगे बसी जो देखुचे मोबाइल जो डिस्प्ले स्क्रीन देखुचे जो ऑडियो वीडियो आसुची से कौन क्वेश्चन नंबर 33 इजी क्वेश्चन टा पुणी कौन टा से सॉफ्ट कॉपी बोली कह कह फ्रेंड सॉफ्ट कॉपी ओके आमर टेलीग्राम चैनल रो ना भी एक्सप्लोरिंग गोल्स फ्रेंड्स मु लिंक दे देउची डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे दूसरी टेलीग्राम रो समस्त निश्चय ज्वाइन करी नबो टेलीग्राम चैनल एक्सप्लोरिंग गोल्स पे ओके क्वेश्चन नंबर 34 द स्पीड ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रो स्पीड ता में केमती मेजर करूचे बहुत बढ़िया बहुत फास्ट रिस्पॉन्स थैंक यू एवरीवन थैंक यू वेरी मच द स्पीड ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन यस बहुत बढ़िया थैंक यू समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद हम टारगेट एक फ्रेंड ये हला टीचरशिप बोथ ए एंड बी पे बोथ ए एंड बी सीपीयू र स्पीड तक हम मेगा हर्ज एंड गीगा हर्ज रे मेजर करूचे तेनु बोथ हबर राइट आंसर किसी डाउट नहीं हला तो समस्त जदि वीडियो देखुचो भल लागुचे किसी लर्न करबा को मिलुचे ताले कांटा करियो बेसी किछ नहीं लाइक के करी दो फ्रेंड एंड फ्रेंड मानक सहित शेयर कर दो ओके चलो 35 which menu is in ms word can be used to change character size and type face ko menu ko ame use kari ki ms word re character size au face ko change koruche change kari pariba question number 35 what is the right answer bahut easy katha bahut easy question हाँ हर्ज हम मेगा हो कि गीगा हो मेगा टू बड़ो गीगा तेणु स्पीड सीपीयू रे हर्ज रे मापिबा क्वेश्चन नंबर 35 कौन हम राइट आंसर यस फॉर्मेट ही हवा कौन हम सी फॉर्मेट करवा में को साइज रो लेटर रखिबा आउ को टाइप रो फेस रहइबो माने अपीयरेंस रहइबो फॉन्ट टाइप जहाँ को कौन ओके एमएस वर्ड रे फॉर्मेट वेरी गुड ठीक तो सॉरी गला हमर जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स 15 मार्क रो रीजनिंग 10 मार्क रो आउ ता सहित कंप्यूटर 10 मार्क रो वर्तमान आसीबो किए सीडीपी केते मार्क रो रहइबो 15 मार्क रो ए 15 मार्क रो तुमा डिस्कस करबा फ्रॉम 36 भाभी चिंती करबो ये छोटकाटिया खेल न हो ये मुश्किल खेल हां चलो Which one of the following statement best sums of the relationship between development and learning? Development of learning भीतरे संपर्क स्थापन करिबारे को स्टेटमेंट भलो भाबरे एक्सप्लेन करूछ कौन हो राइट आंसर कौन हम
बी अवर लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड इन ए कॉम्प्लेक्स मैनर. हाँ, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर सिनोनिमस टर्म्स. डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग. लर्निंग ट्रायल्स बिहाइंड डेवलपमेंट. कौन हम राइट आंसर? इंटर रिलेटेड हम. देखो फ्रेंड्स, एटी डेवलपमेंट माने कौन ता ऊपर डिपेंड करछ. डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग भी हे पारे. तो ये क्वेश्चन रो आंसर टिके मते कमेंट बॉक्स रे पुनी थरे एनालाइज करके जणैबो. कारण डेवलपमेंट जते बेले हमें कहू छे एटा को जदि बायोलॉजिकल वे रे हमें नउ छे, ओके, मैच्योरिटी हिसाब रे नउ छे, ताले ये इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग कहि परबा. किंतु जदि जोड़ी दबा ताले इंटर रिलेटेड इन ए कॉम्प्लेक्स मैनर मध्ये हे परबो, तो बी मे बी मोर एप्रोप्रिएट. ओके, लेट मूव ऑन. इंडिविजुअल अटेंशन इज इंपोर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज इंडिविजुअल अटेंशन इज इंपोर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज. वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया, ठीक कहो तो माने तो माने समस्त ठीक अच्छा. क्वेश्चन नंबर 37 पर एबे फोकस करो. चलो इंडिविजुअल अटेंशन इज इंपोर्टेंट माने मोर अटेंशन निहार ऊपर जति दरकार, पूजा सुभद्री ऊपर सति की दरकार, प्रशांत को जति की, दीपक को सति की मो अटेंशन दबा दरकार. समस्त को इंडिविजुअल अटेंशन काही की देबी? कारण शुभांगी, करिश्मा, माधवी, शंकर, सितून, चिरस्मिता माने समस्त निज निज अनुसार डिफरेंट. तेणु चिल्ड्रेन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली. ये हूँ तार कारण. डी इज द राइट आंसर. A teacher can understand community-based individual differences within any group by paying attention to. A teacher can understand community-based individual difference. Community-based individual difference ko bujhi paribo within any group by paying attention to. Kaha ko attention de teacher bujhi paribe? Yes, Sai Subhasmita. Very good, very good. Keep going. देखो जो कम्युनिटी बेस्ड इंडिविजुअल डिफरेंस कही तो कम्युनिटी बा सोसाइटी रे कौन आसीबो? अलगा आसीबो लैंग्वेज, आसीबो एक्सप्रेशन. तेणु आंसर हो सी फ्रेंड्स. जो मैंने सी कहो, वेरी गुड, बहुत भलो एनालिसिस एंड एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग स्किल बहुत बढ़िया अच्छी अभीपा. क्वेश्चन नंबर 39. फॉर नर्चरिंग क्रिएटिविटी ए टीचर शुड कीप हिज स्टूडेंट. क्रिएटिविटी आणवाई, क्रिएटिविटी जेनेट करने स्टूडेंट भितर शिक्षक कौन करवा उचित? क्वेश्चन नंबर 39 रो कौन हम राइट आंसर फ्रेंड्स? एठी देखो टास्क एंड गोल फोकस्ड. गोल फोकस्ड हवा इंपोर्टेंट नुहे, एठी टास्क फोकस्ड हेले जाइ के हबो. हमें टारगेट कौन गोल को पूरा भूली जीवा ए टाइम रे. हमरो गोल कौन ताको भूली गले चलिबो, किंतु जो टास्क टा दिया जाए थी, से टास्क टा को वर्तमान बा ऑब्जेक्टिव टा को देखिबा निहाती दरकार. ऑब्जेक्टिव टा को देखिबा दरकार. तेनु एही केस रे टिके धोखा बा तमे कहि पारो जे टिके कन्फ्यूजन हे पारे, किंतु एटी ए इज मोर एप्रोप्रिएट. टास्क फोकस्ड हेले हम क्रिएटिविटी आसी परिबो. यदि गोल अरे आमे बड़ जिनस टा को देखुबा, ताहाले एही जिनस टा को आमे एग्जैक्टली जेमिति प्रेडिक्ट करबा कथा सेमिति न करकी गोल अरे टिके डायरेक्शन अरे देखिबा. किंतु जेतेबेले गोल को आमे भूली जिबा, सेतेबेले गोटे जिनसर सबु एरिया को आमे देखिबा, सबु एरिया को देखि पारिबा. तेनु ये हे जिवो क्रिएटिविटी बा डाइवर्जेंट थिंकिंग को ये एनकरेज कला. डाइवर्जेंट थिंकिंग आसी. तेनु गोल हेले त लिनियर हे जिवो, ये किंतु नॉन लिनियर हबार अछि. तेनु ऑब्जेक्टिव बा टास्क फोकस्ड हबार राइट आंसर ए करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 40. A learning disability that involves difficulty in handwriting is called. बहुत बढ़िया क्वेश्चन. Handwriting, easy question. बुझी पार लो ना ये concept का बुझी लो था. जो मैंने कहूँ तो जैसा बहुत अब बहुत अब बहुत अब तो मैंने ये question answer का बुझी गलो. कहीं के task focus चले creativity आती पड़ी हो. बुझी पार लो तो ना बुझी पार ले मोर बेकार है गलो ना मुक्ति लाभ अवन. तेरे देखो goal को ये side रे रखी बाकर ना creativity. हमारा गोल से ही जिनसे को फोकस करके गोल टा को देखी बनी.
ସେ ଦୂର ଜିନିଷଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଧରିଛେ ତାକୁ ଭଲକି ଘାଣ୍ଟିବା ଦରକାର, ସବୁ ଡିରେକ୍ସନରୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଛି ଡାଉଟ ନାହିଁ, ଇନଭଲ୍ଭ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ, ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଆସିଲା ମାନେ ଡିସଗ୍ରାଫିଆ ହିଁ ହବ, ତମେ ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝିଛ ଜାଣିଛ, ଡିସକାଲକୁଲିଆ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ କାଲକୁଲେସନ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍, ଡିସଲେକ୍ସିଆ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସେବିଲିଟି, ଯେକୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସେବିଲିଟି ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍, ରିଡିଂ ରିଡିଂ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍, ହଁ ବୁଝିଲ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ? ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଟେନସନ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ହାଇପର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଡିସଅର୍ଡର ମାନେ ଆଟେନସନ୍ ନ ଦେଇ ଗୋଡ଼ ହଲେଇବା, ହାତରେ ପେନ୍ ଧରିକି ଏମିତି ଖେଳିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆଟେନସନ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ହାଇପର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଡିସଅର୍ଡର, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 41। ଡିସପ୍ରାକ୍ସିଆ କ'ଣ? ଡିସପ୍ରାକ୍ସିଆ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଏ ମୋଟର ସ୍କିଲରେ, ମୋଟର ସ୍କିଲ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍, ମୋଟର ସ୍କିଲ କ'ଣ ଡିସପ୍ରାକ୍ସିଆ। ଓକେ, ଏଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଆସେ। ହାୱାର୍ଡ ଗାର୍ଡନର ସେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେୟାର ଆର୍ ମେନି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅର୍ ଫ୍ରେମ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ହାୱାର୍ଡ ଗାର୍ଡନରଙ୍କର ଲେଖା ମଧ୍ୟ, ବୁକ୍ର ନାଁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଫ୍ରେମ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଏ କାଟାଗୋରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଜ୍ ସଜେଷ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ହିମ୍। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଜେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା କାଟାଗୋରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରେ କେଉଁଟା ଯାଉଛି? ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଏ କାଟାଗୋରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଜ୍ ସଜେଷ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦେମ୍ ବାଇ ହିମ୍ ସରି ବହୁତ ବଢିଆ ପାର୍ଟିସିପେସନ ବାଇ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ, ମେନି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ଦଟ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 41। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଜ୍ ସଜେଷ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ହାୱାର୍ଡ ଗାର୍ଡନର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ? ସେଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆନ୍ସର ହବ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟ ସ୍କିଲ, କାହିଁକି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ କରିଥିଲେ, ଦେଖ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ, ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ କରିଥିଲେ, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ବା ଲଜିକାଲକୁ କରିଥିଲେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ, ସେମିତି ସ୍ପାସିଆଲକୁ କରିଥିଲେ ଫୋକସ ସ୍ପାସିଆଲ, ବଡିଲି କାଇନେଟିକକୁ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ବଡିଲି କାଇନେଟିକ ଇଏ ଗଲା 1, 2, 3, 4, ଆଉ ରହିଲା ତିନିଟା, ତିନିଟା ତ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟ ସ୍କିଲକୁ ମିଶେଇଲେ, ସରି ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟ ସ୍କିଲକୁ ମିଶେଇଲେ ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 8, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 7। ବଡିଲି କାଇନେଟିକ ପରେ ଯଦି କହିବା ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଗୋଟେ ରହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମ୍ୟୁଜିକାଲ ରହିଲା, ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରାପର୍ସନାଲ, ଇଣ୍ଟ୍ରାପର୍ସନାଲ ତା ସହିତ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଆଡ୍ କରିପାରିବା, ଯଦି ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟକୁ ମିଶେଇବା ତାହେଲେ 8ଟା, ନହେଲେ ହେଉଛି 7ଟା। ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟ ସ୍କିଲ ହେଉଛି ୟା ଭିତରେ ଯିବ, ଯେଉଁଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ କିଏ ଆମର ହାୱାର୍ଡ ଗାର୍ଡନର ଅଫ୍ ହାୱାର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ବୁଝିହେଇଗଲା ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ? ସେତିକି ବୁଝିହେଲା, ଚଲ 42କୁ ଚାଲ। ଇନ୍ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି ମେନି ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ସ୍ପିକ୍ ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କରେକ୍ଟ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଟୁ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ହୁ ହାଜ୍ ଆବିଲିଟି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଟୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍। ଯଦି ଦୁଇଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜଣେ ଶିଖିପାରୁଛି, କହିପାରୁଛି, ସେଥିରେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ କ'ଣ? କ'ଣ ବରାଇ ଆନ୍ସର? ୟେସ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଫ୍ରେଣ୍ଡ? ଆଣ୍ଡ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଫାସିଲିଟି କନ୍ସେପ୍ଟ, ଫର୍ମେସନ, ଫାସିଲିଟେଟ୍, ଆନାଲିଟିକାଲ ରିଜନିଂ, କଗ୍ନିଟିଭ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି, ସବୁଥିରେ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଅଲ୍ ସବୁଥିରେ ଲାଭ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ମଲ୍ଟି ଲିଙ୍ଗୁଆଲିଜିମ୍ ବା ବାଇ ଲିଙ୍ଗୁଆଲ ବା ପଲିଗ୍ଲୋଟ ମଲ୍ଟି ଲିଙ୍ଗୁଆଲିଜିମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଲାଭ, ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆବିଲିଟି ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲାଇକ୍ ସେତିକି ତ ହେଇନି, ତମମାନେ ଯେତିକି କରିବା କଥା, ଭଲ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ ସେସନ୍, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଣିବାନି ଇଏ ଗୋଟେ କଥା, ତମେ ଚାହୁଁନ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି ତମକୁ ବସେଇବି ନା ରାତି 10ଟାରେ, ତମ ମତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଁ, ତ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବ, ସେ ଲାଇକ୍ ହିଁ ମତେ ଏନର୍ଜି ଦେବ, ଟୁ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ମୋଟିଭେଟ୍ ମି ଟୁ କମ୍ ଲାଇଭ୍ ଫର୍ ୟୁ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୁହଁ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ହିଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କରିଦେବ, ସୋ ଦାଟ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ଆମ ଗହଣରେ ରହିବେ, ରାଇଟ୍? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 43 ଉପରେ ଫୋକସ୍।
A teacher in the classroom is doing some activities like asking not only what happened but also how and why. The activities classroom re karuchanti teacher केवल कौन हेला ताहा पचारुनांती ता सहित केमिति हेला आउ काहीं की हेला सेटा भी पचारुनांती. Helping them to compare various answers to a question and judge which is really the best answer. And ता भीतर पुनी स्टूडेंट्स मान को कहुचंती जे कहिला देखी जज कर को आंसर का भला और बेस्ट आंसर किए. From thinking point of view, through this activities, he is trying to promote, या द्वारा से कौन प्रमोट करीबा को चाहूं चाहती. दरकार था, चलो, thank you. Thank you very much for your likes, friends. बहुत बहुत धन्यवाद समस्तर एत भल पाइवा से एमती भल पाइवा था सब क्वेश्चन नंबर 43 र राइट आंसर कौन हम या द्वारा कौन प्रमोट हम कहीं देख व्हाट हैपेंड सेटा पचार हाउ दैट हैपेंड एंड व्हाई दैट हैपेंड एटा भी पचार सहित कहते जज करने को बेस्ट आंसर कौटा तो क्रिटिकल थिंकिंग हम सबु पॉइंट सबु आड़ आनालाइज करिबा सबु जिनस भितर थिबा गुड एंड बैड पॉइंट्स को देखिबा हो क्रिटिकल थिंकिंग 44 पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टिमुली और इवेंट्स दैट कैन मोटिव ए स्टूडेंट्स बिहेवियर से पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो जहां कि मोटिव करछ स्टूडेंट रो बिहेवियर को विद साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन मोटिवेशन इन दिस वे ये कौ टाइप मोटिवेशन पॉजिटिव हो नेगेटिव हो स्टिमुली जहाँ द्वारा स्टूडेंट बिहेवियर रो मॉडिफिकेशन होती चेंज होती ये कौ टाइप मोटिवेशन ये ऑप्शन देखिले तो जना पड़ जाऊ मत तो देखा गला तुम कथा जानी अलीसा भिकारी भाग्यश्री सुब्रजीत राजेश वेरी गुड इट इज नथिंग बट बिहेवियर कारण बिहेवियर को प्रभावित करुच्छी मोटिव करुच्छी ड्राइव नौची इन्फ्लुएंस करुच्छी राइट डायरेक्शन दोची तो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव ओके क्वेश्चन नंबर 45 द टर्म इंक्लूजन मींस एजुकेटिंग ए चाइल्ड विथ स्पेशल एजुकेशनल नीड्स आम जानते इनक्लूसिव एजुकेशन जो स्पेशल स्टूडेंट्स माने होते पढ़ेगा एजुकेशनल नीड्स डैश इन द रेगुलर क्लासरूम ये भी इजी क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन And 200 students are now live with us. It's a proud moment. बहुत बहुत धन्यवाद समर्थन को क्वेश्चन नंबर 45 द राइट आंसर इज फुल टाइम यस फुल टाइम पढ़ेगा एमती नुह जो मोस्ट ऑफ द टाइम बा सम टाइम सबू बेले स्पेशल एजुकेशन बा इंक्लूसिव क्लासरूम रे सबू बेले स्पेशल एजुकेशन बा स्पेशल स्टूडेंट्स जो माने स्पेशल स्टूडेंट्स माने हम सहित मिसी की रहिबे हम सहित मिसी की पढ़िबे राइट तो फुल टाइम राइट आंसर वन ऑफ द एडजस्टमेंट मेकानिज्म इन्वॉल्व थिंकिंग लॉजिकली एंड सोशियली वन ऑफ द एडजस्टमेंट मेकानिज्म इन्वॉल्व थिंकिंग लॉजिकली एंड सोशियली इन अप्रूव्ड रीजन ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड प्रपोज्ड बिहेवियर इज कॉल्ड भले से बुझा क्वेश्चन को एडजस्टमेंट मेकानिज्म इन्वॉल्व्स थिंकिंग लॉजिकली सोशियली इन अप्रूव्ड रीजन ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड प्रपोज्ड बिहेवियर इजी इजी कर दबो समझे कर दबो यस स्टार्ट तो हेगला करिबा बढ़िया तो करुछ आउ कौन भूल होबार चांस ही नहीं बहुत बढ़िया तो रेशनलाइज करिबा प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट सब जिनस को देखिबा लॉजिकली भाविबा सोशियली तार सब प्रकार वैल्यू को बुझा और एडजस्टमेंट मेकानिज्म को कहवा रेशनलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन सेट अप द स्कूल इन्फ्लुएंसेस लर्निंग ऑफ स्टूडेंट दिस फैक्टर बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑर्गेनाइजेशन सेट अप द स्कूल इन्फ्लुएंस लर्निंग ऑफ स्टूडेंट तो कौ टाइप फैसिलिटी अच्छी ताहा स्कूल रे कौ प्रकार फैसिलिटी सब अच्छी ताहा स्टूडेंट रो लर्निंग को कौन करे इन्फ्लुएंस करे वा प्रभावित करे दिस फैक्टर बिलोंग टू व्हिच कैटेगरी ये जो फैक्टर टा को हमें कौन कहबा जो फैक्टर टा स्कूल रो एनवायरनमेंट कोई देवी नॉलेज असुविधा जो तो रही वाली यस क्वेश्चन नंबर 47 राइट आंसर इज
इंडस्ट्रियल सेक्टर, कंड्यूसिव एनवायरमेंट दरकार, कौन दरकार? कंड्यूसिव एनवायरमेंट, फ्लेक्सिबल एनवायरमेंट, फ्लेक्सिबल हेतुवा दरकार स्कूल एटमॉस्फेयर, फर्टाइल हेतुवा दरकार, उर्वर हेतुवा दरकार, जोटी सब फैसिलिटी तक मिलुछ, कंड्यूसिव, फ्लेक्सिबल, फर्टाइल, आउ कौन हेतुवा दरकार? सुइटेबल हेतुवा दरकार, हां ये सब सिनोनिम, सुइटेबल हेतुवा दरकार, ओके चलो। Which of the following condition promotes adjustment? Which of the following condition promote adjustment? कहा द्वारा adjustment करिबा सहज है जीवन, सुविधा दायी है जीवन, सरल उपाय रे करी परिवे adjustment, welcoming environment, very good, thank you. Which of the following condition promotes adjustment? प्रबल राग चिड़चिड़ापण द्वारा एडजस्टमेंट हबो हबो हबन, ऑब्सेसिव थॉट ऑफ गिल्टी बहुत अधिक भाविबा, गिल्टी फील करिबा, दुखित हबा, मन दुख करिबा, हबो एडजस्टमेंट हबो हबनी, फियर ऑफ इलनेस भय रहिबो, भय रहिबो, भय आसिला माने तो हबनी, ये हबार चांस नाही रहिला, फ्री फ्रॉम न्यूरोटिक फियर एंड एंग्जायटी, एंग्जायटी आउ फियर आउ फियर रु फ्री रहिले ही एडजस्टमेंट हेई परिबो, सो डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड प्रियंका, शांति लता, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग, समस्तंकु बहुत बहुत धन्यवाद, हम परिवार एक्सप्लोरिंग गोल्स को समस्तंकु स्वागत, एंड परमानेंट मेंबर हबा पई बेसी किछि करबा दरकार नाही, हां गेंडु माळ गोटे गोटे बेकरे पकाओ, दुब बरकोली पत्र टिके मुंडरे छिंच, आउ सब्सक्राइब करि बेल आइकन टाकु दबा, ये शुभ मुहूर्त आम पर सदस्य हो पार। क्वेश्चन नंबर 49, आज ए टीचर यू आस्क योर स्टूडेंट्स टू राइट एन एसे एक्सप्लेनिंग द इंपैक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन योर आवर लाइफ, आम जीवन रे पॉल्यूशन रा प्रभाव को एक्सप्लेन करी उटे एसे लेख बोली स्टूडेंट को कहिलो, ओके व्हिच कॉग्निटिव लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय दिस असाइनमेंट, यही असाइनमेंट माध्यम रे यही जो असाइनमेंट छुआटे को कहिलो लेक्चरर को, ओके लक्ष्मी प्रिया थैंक यू वेलकम, समस्त को स्वागत है, हां तो ये जो असाइनमेंट आ देलो जे लेख गोटे एसे लेख गोटे रे पॉल्यूशन रो इंपैक्ट आम जीवन ऊपर कौन रही छे, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रो को लेवल रे जाउ, कौन हो बट राइट आंसर, हां सुनो श्री अप्लिकेशन हम कारण आम लाइफ रे अप्लाई करचे नलिनी, ठीक अच्छे रश्मिता बुझे पूजा क्योंकि रश्मि अप्लिकेशन करुचे आम लाइफ रे तार इंपैक्ट कौन पॉल्यूशन रो इंपैक्ट कौन तो अप्लाई कले ही आम जानवा तेना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अप्लिकेशन फेज रे जाउची हैला, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, ता पूर्वर निश्चय समस्त लाइक कमेंट शेयर करिबा कथा मु कहि देबी, समस्त निश्चय लाइक करियो वीडियो को, फ्रेंड्स मान को इनवाइट कर दबो, मते जदि तक कमेंट करकि जानबो केमती रहिला सेशन मताबत निश्चय दबो, हां चिट्ठी बाई चिट्ठी दबो। क्वेश्चन नंबर 50, एज अ टीचर यू हैव कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटेलिजेंस पर्सनालिटी क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट टेस्ट एंड टेक्निक्स, तो टीचर हिसाब रे हमें कौन कले इनफर्मेशन कलेक्ट कले छुआर इंटेलिजेंस विषय रे पर्सनालिटी विषय रे बिहेवियर विषय रे क्लासरूम रे केमती रहउछ और सही अनुसार एप्रोप्रिएट टेस्ट और चेकलिस्ट बनेले टेस्ट और चेकलिस्ट को जानिले, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ये प्रोसेस को हमें कौन कहिबा स्टूडेंट को या द्वारा हमें कौन करू छे, देखो फ्रेंड ये मो सेशन तेनु ऑल हबनी नहीं मो सेशन बोली कहूनी ऑल हबनी एटी एतिकी कहि दउ छी त माने ठीक करिया के चेष्टा करो, डी रे आगम छक पकेइ दउ छी हला, हमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करले एप्रोप्रिएट स्टूडेंट बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट टेस्ट एंड चेकलिस्ट को यूज करिकी हमें स्टूडेंट विषय रे डाटा कलेक्ट करले सब जिंस एनालाइज करले ता विषय रे जानिले, तो स्टूडेंट को हमें एटी कौन करू छी असेस करू छी, इवैल्यूएशन नो असेसमेंट इज द राइट आंसर, असेसमेंट इज मोर इंपोर्टेंट, असेस करूची असेसमेंट रे क्वालिटीज एंड क्वांटिटीज सब जिनस देखुचे जे छुआ रो बिहेवियर केमिति रहिला पर्सनालिटी कौन, इवैल्यूएशन रे पर्सनालिटी आसे नि रे इवैल्यूएशन रे आसे नि, असेस करले हमें तार पर्सनालिटी बिहेवियर इंटेलिजेंस सब जिनस हमें रखि परिबा, एनो राइट आंसर हबो ए
ଗଲା 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଧଡ଼କନ ବଢ଼େଇଦେଲା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ ହେଇଯିବ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସବୁ କରେକ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଇ ଚାଲିବା କ୍ଲାସରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ନୂଆ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ ଟୁ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ ଟୋଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ଆର୍ ୟୋର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୋର ରିପୋର୍ଟ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମକୁ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ପଜିଟିଭ ବିହେଭିଅର ଆଣ୍ଡ ଆମର ରିପୋର୍ଟ ଇନ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ୱେ ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର ଆମକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ କରିବାରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛ ତ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଆଣ୍ଡ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ହିଟ୍ କରିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହାଭ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡେ ସବୁବେଳେ ଡେ ଚାଲିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରାତି ତ ହଉନି ସୁବ୍ରଜିତ ଭିଲେଜ ନ୍ୟୁଜ ପ୍ରଜ୍ଞା ରଶ୍ମିତା ସୁନନ୍ଦା ଦେବାଶିଷ ନିହାର ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ସସ୍ମିତା କରିଶ୍ମା ସୁମିତ୍ରା ଶାନ୍ତିଲତା ଭବାନୀ ତିରସ୍ମିତା ତୁଲିକା କାମାକ୍ଷୀ ଶୈଳାଜା କରିଶ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଲୋକନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମାଧବୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ କରିଶ୍ମା ତିରସ୍ମିତା ଅନିଲ କୁମାର ଅଞ୍ଜନ ଏଜୁକେସନାଲ ଅପଡେଟ ଶାନ୍ତିଲତା ସାଇ ସସ୍ମିତା ମଧୁସ୍ମିତା ସୁନନ୍ଦା ରୋଜାଲିନ ଜଗତ ପ୍ରଭା ସୋନାଲି କାମାକ୍ଷୀ ଦେବସ୍ମିତା ଚିରସ୍ମିତା ସୁମିତ୍ରା ଦୀପକ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରଶ୍ମିତା ଅମୁଲ କୁଲ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ଅମୁଲ କୁଲ ସୁନନ୍ଦା ଅଞ୍ଜନ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୀବନ ପ୍ରୀତି ଜ୍ୟୋତି ଅମୃତା ରଞ୍ଜିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପେସନ ପାଇଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବା ତ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିବା ନିଜର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଉ ଇଫୋର୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ଆଗେଇ ନେବାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଇନ୍ ଏ ପଜିଟିଭ ୱେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଫର ୟୋର ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଟେକ୍ କେୟାର ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ